और अब खबर है सहारनपुर से। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की सपा को चेतावनी, भाजपा कार्यकर्ताओं को आंख दिखाई तो होंगे बुरे अंजाम। कार्यकर्ताओं को आंख दिखाओगे तो उसी भाषा में जवाब मिलेगा, ये कहा गया है। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सहकारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे ब्रजेश सिंह। सहकारी समिति के चुनाव को राज्य मंत्री ने ट्रेलर बताया है। उनको बताना चाहता हूं कि यदि फिर चेतावनी दे रहा होंगे ब्रजेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाई तो जवाब उसी भाषा में देना चाहिए। किसी गलतफहमी पाल रखी हो तो उसे निकाल लेना। और फिर कह रहा हूं ये चुनाव सिर्फ ट्रेलर है। चुनाव सहकारी समितियों का सिर्फ ट्रेलर है। अभी आके तो ये आपने वीडियो देख लिया, काफी वायरल भी हो रहा है। इसमें राज्य मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आंख दिखाई तो बुरे अंजाम होंगे, कार्यकर्ता को आंख दिखाई तो उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। राज्य मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, इनकी तरफ से ये बातें कही गई है। दरअसल सहकारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान इन बातों को कहा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बरेली में मस्जिद के कमरे को लेकर मारपीट का आरोप लगा है। दबंगों और मौलाना के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मौलाना ने दबंग के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है। बरेली के कोहाड़पीर इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर मस्जिद के कमरे में मारपीट हुई है, दबंगों और मौलाना के बीच जमकर मारपीट, और इसका वहां पर कुछ जो मौजूद रही उन्होंने वीडियो भी बना लिया और ये वीडियो काफी वायरल यहाँ हो रहा है। अनूप संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है मस्जिद के अंदर का, क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये मारपीट हो रही है? किसी मस्जिद का जो इमाम है उनके साथ में मारपीट हो रही है, और वहां पर जो दबंग लोग हैं और जो कमेटी के लोग हैं उनसे उसका विवाद हो गया था, जो इमाम है उनका उनसे विवाद हो गया था, जिस वजह से जो वहां के दबंग लोग हैं उन्होंने उनके संग मारपीट की, इमाम को गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उनको कमरे से भी बाहर निकाल दिया, उस पर ताला लगा दिया, जिसके बाद इमाम के साथ में दर्जनों लोग थाने पहुंचे हैं और इमाम की तरफदारी की है और इस मामले में शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जो वीडियो है उससे जांच कर रही है कि कौन लोग हैं, किन्होंने मारपीट की है। तो फिलहाल मामला आपसी मामला है, आपसी विवाद है, क्योंकि बताया जाता है कि कमेटी का मामला है और कमेटी के लोगों से ही इमाम का विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मारपीट की नौबत आ गई, गाली गलौज की नौबत आ गई। तो फिलहाल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से इमाम के साथ में कुछ लोग बसलूकी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।